वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू की टिक्कियाँ क्रिस्पी कोटिंग के साथ, बहुत ही मज़ेदार, जिसमें शामिल है तमाम ऐसे स्पाइसेस जो आपके घर में मौजूद हैं। मगर अगर आप आलू की टिक्कियों को कुछ नए तरीके से बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि मेरी पिछली वीडियोज़ में समोसा और रोल बनाने की नई रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, आज भी आलू की टिक्कियाँ बनाने की एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो आलूओं को बॉईल कर लीजिए और उसे अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद इन्हें रफली मैश कर लीजिए इस तरीके से। आलूओं को मैश करने से पहले ज़रूरी है कि इसे ठंडा कर लीजिए, इस तरह आलू बहुत अच्छे मैश होते हैं। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें शामिल है 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाला डालने से आलू की टिक्कियाँ बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। अब इसमें 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कीजिएगा। हरी मिर्चों को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज इस तरह से बारीक बारीक काट लीजिएगा, इसे आलूओं में शामिल कर लीजिए। अब थोड़ा सा हरा धनिया और हरा पुदीना इसे बारीक बारीक काट कर शामिल कर लीजिए। पुदीना डालने से भी आलू की टिक्कियों में बहुत अच्छा फ्लेवर पैदा होगा। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है, जिसे इस तरह बारीक काट लिया था, इसमें से बीज अलहदा कर लीजिएगा। अब इन तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इस बात का ख्याल रखें कि आलूओं को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करें। जब तमाम स्पाइसेस मिक्स हो जाएं तो इसमें 2 से 3 चम्मच मलाई के शामिल कीजिए। मैं यहाँ घर की दूध से उतरी हुई मलाई इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी हैवी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इस बात का ख्याल रखें कि बहुत पतली मत हो, वरना आलू बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। टिक्कियों में मलाई डालने से टिक्कियों में बहुत ज़्यादा क्रीमी फ्लेवर पैदा होगा, ये बहुत ज़्यादा इसको टेस्टी कर देगी। अब इन तमाम मसालों को हल्के हल्के हाथों से मिक्स कीजिए, इस तरह से, ये बहुत ज़्यादा मैशी नहीं होना चाहिए। अब टिक्कियों को शेप दीजिए, आप अपनी मर्जी के मुताबिक टिक्कियों को शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ थोड़े बड़े साइज़ में और ओवल शेप में दूंगी, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे बड़ा या छोटा बना सकते हैं या कोई भी शेप दे सकते हैं। इसी तरह तमाम टिक्कियों को अपनी पसंद के मुताबिक शेप दीजिए। जब टिक्कियाँ तैयार हो जाएं तो किसी ट्रे में रख लीजिए और इसे फ्रीज़र में 5 से 10 मिनट के लिए रख लीजिए, इससे कोटिंग करने में आसानी होगी। अब टिक्कियों की कोटिंग की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ 3 से 4 टेबलस्पून मैदा इस्तेमाल करूँगी और 2 स्लाइस ब्रेड, जिसे रफली हाथों से इस तरह क्रम्ब कर लिया था, इन दोनों को मिक्स करके एक प्लेट में रख लीजिए। अब एक बाउल में 2 अदद अंडे शामिल कीजिए, उन्हें अच्छी तरह से फेंट लीजिए। अब आलू की टिक्कियों को कोट करने के लिए सबसे पहले मैदे में कोट करेंगे। जब मैदा अच्छी तरह से कोट हो जाए तो इसे अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद दोबारा से मैदे में शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से कोट कर लीजिए। इस तरह डबल कोटिंग करने से आलू की टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगी। इस तरह तमाम टिक्कियों को कोट कर लीजिए। अब टिक्कियों को फ्राई करने के लिए ऑयल को दरमियानी आंच पर गर्म करें और इसमें टिक्कियों को ऐड कीजिए। ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर गर्म नहीं करेंगे, इस तरह टिक्कियाँ डालते सारी बहुत जल्दी जल जाएंगी। जब टिक्कियों की एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनकी साइड को चेंज कर दीजिए। आलू की टिक्कियों को हमेशा शैलो फ्राई कीजिए, डीप फ्राई करने से बहुत ज़्यादा ऑयली